आ गया तू, चल अभी साले 8:30 बज गए, टाइम देख 7:30 बजे का टाइम दिया तूने। सो गाइस फाइनली जो है अपना राइड पार्टनर आ गया, 7:30 बजे का टाइम दिया था उसने मुझे। मैं उसको बोला भी कि 8-9 बजे आराम से जाते, लेकिन नहीं, बोलते हैं तू भूल गया क्या अपने वो दिन। मैं बोला कौन से दिन, बोलते अपन राइड के लिए 5-5 बजे उठ के जाते थे। हाँ बोला ठीक है चल फिर। उसको मैंने 7:30 का टाइम दिया और वो अभी आ रहा है 8:30 बजे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज उत्तम फ्रॉम आमची ओर से, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद जो है आपसे मिले हैं, और आज का राइड प्लान है वसई से जाएंगे हम टूवर्ड सूर्यमाल देखने। सो अभी तो सूरज जो है उग गया, कोई बात नहीं, एक हिल स्टेशन है सूर्यमाल, वो देखने के लिए जा रहे हैं। 102 किलोमीटर का राइड है ये, और रिटर्न 204। फिर क्या है, क्या बोलते हैं पब्लिक, बहुत दिनों के बाद जो है, वैसे मैंने बहुत दिनों के बाद नहीं चला ये, हाँ मैं भी जयेश बहुत दिनों के बाद निकला है घर से बाहर। सो 2020 जो है स्टार्ट अच्छा हुआ था अपने कन्याकुमारी राइड से, लेकिन जो है आधा क्या पौना साल निकल गया। ये तो अच्छा हुआ कि स्टार्टिंग में ही कन्याकुमारी राइड की थी, और फिर लॉकडाउन जो है चालू हो गया। और ये देखो वसई के रास्तों की हालत जो क्या हो गई है, बहुत गंदी हालत हो गई है रास्तों की। अपना ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे जो है चालू हो गया है, यहाँ से जाएंगे वजेश्वरी रोड पे या तो फिर आगे वाले से टर्न लेंगे। और पहले तो जो है पेट्रोल भरना पड़ेगा, पेट्रोल भर के जो है फिर आपसे मिलते हैं। टोटल अपनी जिक्सी चली है अब तक 16,290 किलोमीटर, और यही अगस्त में उसको एक साल हो जाएगा। 20 अगस्त को शायद लिया था मैंने, देखना पड़ेगा, अपने जिक्सी का बर्थडे भी मैं भूल गया। बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लॉकडाउन का समय है, फिर भी पहले पेट्रोल भर लेते। Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. आपको कभी आना है वज्रेश्वरी तो ये है वज्रेश्वरी, और राइट साइड में है वज्रेश्वरी टेम्पल, ये रहा, और यहाँ से है एंट्री, और ये है वज्रेश्वरी टेम्पल। नाश्ते के लिए रुके थे वाड़ा में, तो हमने आज मंगाया है नाश्ते में मुंबई का फेमस वड़ा पाव, और साथ में ये भजिया। तो नाश्ता करते हैं, आपको मिलते हैं ऑन द रोड थोड़ी देर में। नाश्ता करके जो हो गया, यहाँ से अभी है लगभग सूर्यमाल 30-40 किलोमीटर रहेगा, हमने घर से निकल के लगभग 60 किलोमीटर राइड किए, तो 40 किलोमीटर पकड़ लो। सो ये वाड़ा है जहाँ पे हम रुके थे नाश्ते के लिए, अब यहाँ से राइड है शायद आगे से। जिग जैग चालू हो गया है, राइड को एंजॉय कीजिए। और ये है सूर्यमाल का रोड जो कि 30 किलोमीटर तक आपको यही रोड रहेगा, और यहाँ लव बर्ड्स भी जो है बैठे हुए हैं, ये लव बर्ड्स आपको सारी जगह पे देखने मिलेंगे। ओहो ओहो मजा आ गया, मजा आ गया।
जयेश कहाँ रह गया? और ये देखो खेत वाले एरिया काफी खूबसूरत है। डेस्टिनेशन की चिंता मत करो, आप जो है राइड को एंजॉय करो, ये मेन बात है। जब आपके साथ ऐसी खूबसूरती रहेगी ना नेचर की, तो आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में अपनी जिक्सी और ये खूबसूरत सा माहौल और ये खूबसूरत खूबसूरत जो है जगह। मुझे ये रोड देख के मालसेज घाट की याद आई, वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे ही रोड था, बट बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग यहाँ पे रुके थे ड्रोन शॉट्स के लिए, और ड्रोन शॉट जो है लेके हो गए हैं। अभी यहाँ से निकलने का जो समय आ गया, काफ़ी अच्छा जो है जगह थी और पीसफुल एकदम शांत एरिया था, और बहुत मज़ा भी आया। कम से कम एक घंटा इन्वेस्ट किया यहाँ पे हमने टाइम पास। ओहो देखो बीच में से रास्ता, दोनों तरफ जो है पत्थर है और बीच में से रास्ता जाता हुआ। ओहो आगे पूरा नीचे की तरफ है। सही है सही है सही है, बिल्कुल मस्त जगह थी। बहुत मज़ा आया। डेस्टिनेशन कैसा है पता नहीं, बट रोड काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, यह छोटे मोटे वाटरफॉल बहुत सारे हैं यहाँ पे, सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पार्टी मनाने के मूड में हो या ऐसे ही फैमिली पिकनिक पे आना चाहते हो, सो ये आपके लिए जगह बहुत ही बेस्ट है। मुंबई से नज़दीक भी है और अच्छी जगह है देखने के लिए, फैमिली भी आपकी जो है यहाँ पे एंजॉय करेगी। यहाँ पे कोई भी कोरोना का टेंशन नहीं है। यू कैन सी दिस, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगा है कश्मीर में पहुँच गए हम लोग। अगर नीचे साइड देखोगे तो पूरी कश्मीर की फीलिंग है, और अगर यहाँ पे से आप राइड कर रहे हो तो पूरे जो है महाबलेश्वर की फीलिंग है। पूरी ठंड हवाएं जो है बह रही है, बहुत ही खूबसूरत है, और देखने के लिए नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है, जो पूरे पहाड़ लाइन से दिख रही है। और आप पहाड़ के उस टॉप पे हो जहाँ से आप पूरा नीचे की तरफ देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा लैंड स्लाइड हो गई, यहाँ से वहाँ तक है पूरा, ऊपर से आया पूरा, ऊपर का जो है पहाड़ नीचे धंस गया है पूरा एंड तक, सब झाड़ यहाँ से पड़े हुए। देखो सूर्यमाल यहाँ से लेफ्ट की तरफ है और हम इंटर होंगे। ओ आप देख सकते हो एंट्री भी अच्छी है, गेट बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है। मस्त एकदम मैदान है यहाँ पे खेलने के लिए। सो लेकिन रोड बहुत ख़राब हो गए अंदर के, ये ज़्यादा नहीं 500 मीटर का ही अंतर है सूर्यमाल पॉइंट से मेन रोड तक। सो सूर्यमाल पॉइंट पे फाइनली पहुंच गए, और बारिश का मौसम है लेकिन आज जो है थोड़ी सी हमें बारिश ने हेल्प की, आई नहीं। सो अच्छा भी लगा बुरा भी लगा कि बारिश में भीगे नहीं, और अच्छा इसलिए क्योंकि ड्रोन शॉट्स वगैरह जो है प्रॉपर लेने मिले। तो ये कुछ है सूर्यमाल पॉइंट का, चारों तरफ आप देख सकते हो 360 व्यू जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सूर्यमाल पॉइंट का 360 व्यू। लाइट का थोड़ा इशू आएगा क्योंकि ऊपर जो है काले बादल छाए हुए, कभी बारिश जो है आ सकती है। सो
हम अभी ड्रोन उड़ा रहे, लेकिन उसके पहले हमें थोड़े से हमारे जो है दोस्त नए नए मिल गए, उनसे आपको जो है मुलाकात करवाता हूँ मैं। सो ये यहाँ के ही लोकल है। आपका नाम? करण। आपका? आकाश। और आपका? हरचंद्र। तो ये हमारे अभी नए फैमिली मेम्बर जो हमारे फैमिली में ऐड हो गए। सो अच्छी बात है, अपनी फैमिली जो ऐसे ही ग्रोथ करते रहे। सो आप तब तक जो है ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कीजिए। वसई से जो सूर्यमल पॉइंट है वो लगभग 95 किलोमीटर है, यानी कि मेरे घर से जो है, तो अगर आप मुंबई से आते हो तो 20 किलोमीटर और 20-30 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। पॉइंट देखने जैसे अंडररेटेड है, लेकिन पॉइंट काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, घूम सकते हो। और अभी अनलॉक जो है चालू हो गया, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी आने के लिए। तो ऐसा कोई रास्ते में पुलिस वाले वगैरह कोई है नहीं, तो जो चेक करे आपको। तो बिंदास बेझिझक आ जाइए और ये पॉइंट को जो एक्सप्लोर कीजिए, वाकई काफ़ी खूबसूरत जो है पॉइंट है। सो आई होप आपको जो आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ऐसे नए नए जो वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देम हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। बाय।